से गुड मॉर्निंग। मिस्टी को बनाई अभी पूरी, मिस्टी पूरी अचार खा रही है। रोज ही खाती है। अच्छा रोज ही खाती है, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टी, है ना। और साथ में मैंने आलू भुजिया भी रखी आज मिस्टी के स्कूल में, है ना। तो मिस्टी दो दिन के गैप के बाद आज स्कूल जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा, नींद आ रही है मिस्टी को, नींद आ रही है दोस्त, सुबह सुबह से देख लो, है ना। तो चलिए अभी मिस्टी की मैं चोटी करने वाली हूँ। हाँ जूते पहनाना पड़ेगा मिस्टी, अभी मिस्टी का बैग भी मुझे कैरी करना पड़ेगा। और मिस्टी बॉटल लेकर आओ, ऑटो वाले भैया खड़े हैं। मुझे जाना है पकड़ो। ठीक है, हाँ अभी तो ठीक है भैया, बस ध्यान रखना है, धूप में घूमती रहती हैं। पूरा ध्यान रखते हैं बच्ची का। ये जा रही है मिस्टी, मैं रेडी होंगी, जाना है जिम तो जल्दी से मैं रेडी होंगी। आलसी लोग सो रहा है, इन्हें और कोई काम नहीं है। जिम के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने टी शर्ट और लोअर डाल लिया है, बस अब मैं निकल रही हूँ दोस्तों यहाँ से। मेरा पूरा 1.5 आवर डेली जिम में निकलता, और जरूरी भी है आप लोग भी किया करो एक्सरसाइज, क्योंकि यदि फिट रहना है तो अपने शरीर से मेहनत करवानी पड़ेगी आपको। मैं घर आ चुकी हूँ दोस्तों जिम से, और बस अभी झाड़ू पोछा किया है मैंने, घर का पूरा साफ किया है, बस ये फैलान बची हुई है, ये इतना मुझे पूरा अरेंज करके रखना है क्योंकि बहुत मैसी हो रहा है सारा कुछ, पलंग वगैरह। और ये मिस्टी के कारण ये पूरी मिस्टी की टेबल भी पूरा मैसी होकर पड़ी हुई है, तो इसको भी मैं अरेंज करने वाली हूँ। और मिस्टी तो आपको मालूम है स्कूल चली गई है, और राधिका अभी भी सो रही है, उठी नहीं है, ये देखिए ये पलंग साफ करना है मुझे, बस ये पलंग बचे। और आज हमारी बाई भी आने वाली नहीं है, वो भी छुट्टी पर है, तो काम और बढ़ गया है मेरे लिए। काम तो डेली रहता है लेकिन और ज़्यादा बढ़ गया मेरी जान को, वैसा है। और आज बर्तन वाली बाई और वो दोनों ही गायब हो गई हैं एक साथ ही, इन लोगों के साथ ऐसे ही है, चाहे जब छुट्टी चाहे जब छुट्टी होती रहती है इन लोगों की, ऐसा है। तो बस दोस्तों अभी मैं इतना करके बस फिर नहाने जाऊंगी, फिर पाठ करूंगी, ब्लॉग में बने रहना। तो दोस्तों मेरा सारा काम निपट गया, आप देख रहे हैं पलंग वगैरह मैंने सब साफ कर दिया है, और सुबह से मेरा खाना ही बन गया है। पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज बहुत ही हौच पौच हो रहा था, मैंने बताया ना कि आज हमारी मेड भी नहीं आई थी, तो हमें बहुत सारा काम और एक्स्ट्रा पड़ गया। काम तो डेली रहता लेकिन और एक्स्ट्रा काम हो गया था, और अभी वो 2-3 दिन नहीं आएगी, तो हम फिर खाने का भी वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि राधिका को कोचिंग जाना होता है और सुबह से जल्दी जल्दी हमें खाना बनाना होता है, तो इतनी जल्दी मतलब मोबाइल रख के आप लोग खुद समझ सकते हो कि वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है, बराबर अपन मोबाइल लेके नहीं खड़े हो सकते, जब अपन को काम होता है तो नहीं हो पाता है ये चीज़ पॉसिबल, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते होंगे दोस्तों। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ दोस्तों। आज मैंने खाने में बनाया था लौकी का रायता, और साथ में आलू बरबटी की सूखी सब्जी, आम का रस, और वो आप क्या क्या पता क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ खरबूजा बोलते हैं, कहीं शक्कर बट्टी भी बोलते हैं, उसका भी मतलब शक्कर डाल के उसको भी क्रश करके बनाया हुआ था। तो इतनी चीज़ें बनाई, और रोटी मम्मी ने सेक दी थी, लेकिन पता है आज मुझे बहुत गुस्सा आ रही है दोस्तों, मैं सही बताऊँ कि गुस्सा किसके ऊपर आ रही है वो भी मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ। गुस्सा मुझे आ रही है राधिका के ऊपर, वो इसलिए आ रही है कि राधिका है ना सच में मुझे कभी कभी बहुत हैरान कर देते हैं दोनों बच्चियाँ, इन खाने में इतनी चूजी हैं ये लोग, इतनी चूजी हैं कि मैं बता नहीं सकती सच में। इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी पसंद का होगा तो ये लोग खाना खा लेंगे, और यदि इनकी पसंद का नहीं बना ना तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, बस खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। मतलब हमने सुबह इससे पूछा भी कि बेटा लौकी का रायता बन रहा है और आलू बरबटी की सब्जी बन रही है, तो मैडम बोलती हैं
हाँ हाँ ठीक है, मैंने बोला कि बेटा तुम मुंह उसी टाइम सड़ गया, तो मैंने कि दाल चावल बना दे क्या, तो बोलती रहने दो हम तो पोहा खा लेंगे। मैंने कि पोहा खा के पेट भरता, क्योंकि अभी 12 बज जाती है, शाम को आती है सीधे, तो मैंने कि पोहा से थोड़ी पेट भरेगा, तो कहली देख लेंगे। अब जब हमें खाना खाने बैठी तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कि आ जाओ बेटा खाना खा लो, तो बोलती है कह रही आने आ रही हूँ, बस इतना 5-10-15 मिनट बाद आई, जब तक मेरा तो खाना ही हो गया। आई और इसने इतना मुंह सड़ा के 2 कौर खाए, सच में जैसे कि राम जाने मैंने इसे जहर खिला दिया इतना मुंह सड़ा के खाना खाई थी। हाँ वो मम्मी उसका मुंह देख के हंस रहा है कि यार ये बच्चे हैं कि क्या है, मतलब डेली मन पसंद का बन रहा, और उनके चक्कर में कभी कभी हमको हैवी खाना पड़ता है, जबकि हम हैवी खाना सोचते हैं कि अवॉइड करें मम्मी भी, लेकिन इनके चक्कर में अच्छी मसाले वाली सब्जी बनाओ डेली अच्छा, लेकिन रोज रोज अच्छा नहीं होता ना, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता। फिर मुझे चिंता लगने लगती कि इसको थायराइड भी है, प्लस मतलब ये लगता है कि ऐसा ना हो कि यार कुछ हो जाए, कुछ हो जाए इतना खाना ऐसा, मतलब रोज 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 यार नहीं हो पाता पॉसिबल, लेकिन क्या करें, बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चे तो समझने को तैयार ही नहीं है, बच्चों को तो अपना ही है। मिष्टी खा लेती है, मिष्टी को रायता बेहद पसंद है, कोई सा भी रायता बना दो, बूंदी का या फिर जैसे लौकी का बनाया है, वेजिटेबल्स का बना, मतलब कुछ भी बना दो, फ्रूट्स का बना दो, मिष्टी बहुत अच्छे से खाती है इन दिनों, और अच्छे से भरपेट खाना खा ले। लेकिन राधिका को तो ऐसा है कि क्या बोलूं मैं, सच में मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ये बच्चे है ना क्यों ढंग से खाना नहीं खाते हैं, आगे चल के इनका क्या होगा, अब राधिका बाहर पढ़ने चली जाएंगी। मैंने इससे पता यही बोला, मैंने कि राधिका तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन तुम बाहर पढ़ने गई ना तुम्हें मम्मी की कीमत समझ में जाएगी, कि मम्मी कैसे थाली ले लेके तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। ऐसा लगता है कि यार पहले बच्चे खा लें अपन तो चलो ठीक है, अपना तो पेट भरा ही जाएगा, यार बच्चों का पेट भर जाए तो अपना खुद का पेट पहले ही भर जाता है, क्योंकि अपन लोग तो हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। आज पता है मम्मी क्या बोली मेरे से, कि है ना तुम तीनों ऐसी होती ना, मेरे चारों बच्चे ऐसे होते तो मैं तो नाम जाने क्या हो जाता, कहले तुम चारों को तो जो दे देते दे थे वो तुम लोग शांति से खा लेती थी, लेकिन ये बच्चे देखो आजकल के, तो मैंने कि मम्मी आजकल के और सभी के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने और भी बच्चे देखे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, छूजी होते हैं बहुत ज्यादा, इनकी पसंद का इन्हें खाना बना के नहीं दो तो बस क्या बोले यार। सच में मैं आज पता, मैं इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं उसको खिलाने भी लगी, मुझे चाह रही थी तो उसके 2 ही गाल तोड़ लिए, मैंने कि तू यार बहुत मुझे परेशान करती खाने के मामले में, सच में तो के लिए आपको फिर सोच समझ के मेरे वाला बनाना था, तो मैंने कि रोज बन रहा है कभी के दिन एक दिन तो एडजस्ट करो, है ना, लेकिन नहीं उनको एक दिन भी एडजस्ट नहीं करना है, मतलब उनकी मनपसंद का, अब पता क्या करेगी, या तो दिन भर ऐसे ही वो भूखी रहेगी। मैंने उससे कहा भी कि मतलब बनाना रखे हुए हैं, नारियल पानी है, कुछ तो तुम ले लो। मुंह सड़ गया, मतलब सड़ गया मुंह, तो अब वो कब तक सड़ा रहेगा मुझे ये नहीं पहले उससे कहा 2-2 किलो का मुंह फूल गया दोनों साइड से, तुम्हारे चीक 2-2 किलो के फूल चुके, तो हंस भी नहीं रही, मतलब मुझे हंसी आ रही उसे देख के, कितना कंट्रोलिंग पावर, मतलब मैं तो इतने में 10 बार हंस दूं, कोई मुझे हंसाने की कोशिश करे मैं गुस्सा हूं तो मैं मेरी मुझे हंसी आ जाती है भले ही मैं गुस्सा हूं, लेकिन इसका तो मुंह सड़ता है ना जितना, तो बुरा सड़ता है कि बोलने की तो बिल्कुल है ही नहीं है कहीं से कहीं का। खैर ठीक है दोस्तों, खा लेंगी अब शाम को आएंगी, अभी मुझे मालूम है कि वो फालतू की चीजें ज्यादा खाएंगी, पेट तो भर लेंगी, हो सकता है पैसे रखे हों तो कुछ बाजार में भी खा लें दोस्तों के साथ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शाम को आती है सीधे लड़की, 12 बजे जाती है, 5 बजे आती है, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है कि यार बच्ची भूखी है, यार लगता ही यार हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा भूखा होता है, तो ये तो चलिए दोस्तों आज तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे खाने में क्या बना है जो राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप क्या क्या बनाए तो आप जरूर शेयर करिएगा, और मैं बस इतना बोलूँगी आप लोगों से भी और मैं खुद से अपने आप से भी कि ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, इसलिए इसको जितने अच्छे से जी सकते हो जी लो, क्योंकि नहीं मालूम मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा है क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं मालूम, इसलिए हंस के बढ़िया देखो। मैं आप बोलोगे कि अभी मैडम ज्ञान दे रही है, खुद तो इतना रोती रहती है, लेकिन मैंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना मैं सीख रही हूँ, मैं सही बताऊँ मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रख रही हूँ, अभी आप थोड़ा सा चेंजेस मेरे में देख भी रहोगे कि हाँ बस थोड़ा यार इमोशनल हूँ मैं, ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं कंट्रोल करूंगी, मैं खुश होने की कोशिश करूंगी, और कोई कुछ भी करता हो मुझे अब मैं यही करूंगी कि मैं मुझे उस चीज़ से फर्क ना पड़े, भाड़ में जाए दुनिया
जिसको जो दिखाए करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप को अब हर्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं हर्ट होती हूँ तो मेरा पूरा परिवार हर्ट होता है, मतलब मम्मी पापा सबको ये लगता है। आज भी सुबह मम्मी ये कह रही थी कि तू कितनी जल्दी टेंशन ले लेती है यार, चलो टेंशन मत दो, मतलब बाई नहीं आ रही थी तो मेरे को वही लग रहा है अरे यार आज बाई नहीं आ रही, मेरे ऊपर कितना सारा काम पड़ जाएगा, लेकिन मम्मी बोलने लगे कि टेंशन ना करो हम तो हैं, हम सब मिलके कर लेंगे। तो यही हुआ, सबने मिलके, मतलब हर, मैंने ये देखा है कि अपन लोग ज़्यादा ही ओवरलोड ले लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन धीरे से निकल ही आता है, तो फिर क्यों टेंशन करना। ये मैं खुद को समझा रही हूँ, आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ। यार क्या करें यार, सच्ची कभी कभी है ना, ये जो क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, होता है यार, मेरे साथ होता है, मेरी जिंदगी में क्या पता कोई हो ना बराबरी से घर में साथ में, तो अपन उसके साथ सब चीज़ शेयर करते, मम्मी के साथ नहीं कर सकते यार सारी बातें शेयर। कभी कभी दिमाग पे कोई कोई बात चढ़ जाती है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे दिमाग पे अब कुछ ना चढ़े, मैं खुश रहूँ, जैसे मैं हंसती रहती हूँ, आप लोगों को मेरा हंसना बहुत पसंद है, तो बस कोशिश करूँगी कि हर वीडियो मेरा ऐसे ही आए, हंसते मुस्कुराते। लेकिन यार जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो चलेंगे, ऐसा थोड़ी है, चले देखेंगे जो भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग तो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि मिष्टी आने वाली है और फिर उसका खाना पीना नहलाना सब कुछ बहुत बहुत काम हो जाता है, और 4 बजे से फिर मेरे स्टूडेंट आ जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ब्लॉग को लंबा कर पाऊँ, और फिर दिन भर का करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो कभी आधा ब्लॉग मैं बाद में शूट करके बताऊँगी कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, और ये ज़िंदगी फिर से नहीं मिलेगी दोबारा, इसलिए इसको अच्छे से जी लो, जो मन में आए वो करो, किसी की मत सुनो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, भाड़ में जाने दो, दुनिया दुनिया बोलती रहेगी, बहुत बोलेगी, आप अच्छा करोगी तो भी बोलेगी, बुरा करोगी तो भी बोलेगी, आप रोओगे तो आपके आंसू पोंछने नहीं आएगी, और आप खुश भी रहोगे, खुशी में तो वो लोग आ जाएंगे मैं आपको बता दूँ, लेकिन जब आप दुखी होते हो ना, सब ऐसे मुँह फेर लेते हैं जैसे कि राम जाने हमने कौन सा पाप कर दिया हो, और वहीं अपना कुछ अपन अचीवमेंट कर लेते हैं ना, तो जो अपन से दूर भागते ना वो अपने पास हाथ मिलाने जाते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है जो मेरे साथ होके पड़ा हुआ है, कि जब मैं दुखी थी ना तो कोई नहीं आया था, जब मेरा कुछ सक्सेस मिली ना तो जो मेरे से बात भी नहीं करती थे ना वो आके मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी, इसलिए पता है ध्यान कहाँ दो, अपने अचीवमेंट पर दो, अपने सक्सेस पर ध्यान दो कि आप कितना ज़्यादा सफल हो सकते हो लाइफ में, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये अपने आप दौड़ी आएंगी, फिर कोई चीज़ फिर मायने नहीं रखती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ, जय श्री राम, ठीक है।